तो गाइस आज हम लोग सोच रहे हैं एलपी रेकली ये सब जाने का, क्योंकि बन्नी भी आया है घर पे। वो हमेशा मतलब वहीं पे रहता है गांव में जहाँ पे मेरा घर है, तो चाचा उधर ही रहते हैं, बन्नी भी वहीं पे पढ़ाई करते हैं और मैं यहाँ पे लोनावला में रहता हूँ। तो जब भी बन्नी यहाँ पे आता है तो थोड़ा हम घूमते हैं, तो सोच रहे हैं आज जाएंगे कुछ देखेंगे, रेकली वगैरह, ब्रिज एंड अपना एलपी वगैरह। लोनावला वाले तो ये सब चीजों से बोर हो चुके, पर जितने भी बाहर वाले होंगे, अभी बन्नी भी रहता है वहीं पे तो वो ऑफकोर्स यहाँ पे आता है तो ये सब देखने के लिए एक्साइटेड होता है। तो जब भी आता है तो उसको लेके जाते हैं, तो हम अभी वापस जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सीनरी का मजा लेंगे, बैठेंगे और फिर आ जाएंगे। चलो लेट्स गो। चलो तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं। यार ये रोड बंद नहीं रहना चाहिए, देखते हैं, अगर ये रोड बंद रहा तो फिर घूम के जाना पड़ेगा। चालू है, वेरी गुड। पता नहीं अभी शायद से समर सीजन है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है यहाँ पे लोनावला में, वरना इतना ट्रैफिक कभी सैटरडे संडेज में यूजुअली होता है ट्रैफिक, पर आज सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है, फिर भी आज ट्रैफिक दिख रहा है। शायद समर हॉलीडे से इसलिए बहुत भीड़ हो रहा है, पर लोगों को ये नहीं पता कि समर में कोई मजा ही नहीं है लोनावला में। मुंबई पुणे वालों को लोनावला कैसे भी वो मजा ही आता है क्योंकि वो कभी कभार आते हैं। खैर मैं तो लोनावला में रहता हूँ, हमको बारिश के सीजन में भी सेम ही लगता है। ओ भाई पूरा दबा देगा क्या अभी। कैसे बन्नी आया है यहाँ पे तो उसको अभी मजा आता है ये सब चीजें देखने, क्योंकि वो कभी कभार आता है, एक दो साल में एक बार, तो देखने में अच्छा लगता है। और मेरा तो पूरा बचपन ही आ गया है, दोस्त वोस्त घूमने जाओ, हैंग आउट्स वगैरह सब कुछ यही पे। लोनावला वालों का ऐसे रहता है कि अगर घूमने चलना है तो चलो पुणे मुंबई चलते, तो उल्टा है, मुंबई पुणे वाले लोनावला आते और लोनावला वाले मुंबई पुणे जाते हैं, ऐसे उल्टा है ये। ओ भाई यार मेरे को पेट्रोल भराना था, मैं भूल ही गया। यार इस तरफ का क्यों नहीं खुला है? तो गाइस प्रॉब्लम ऐसे हो गया है कि गोप्रो का बैटरी खत्म हो गया और मुझे पता ही नहीं था कि बैटरी इसमें लो है। अभी फिलहाल ऐसे ही रिकॉर्ड करते जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम इतना दूर आ गए हैं अभी और इसको पीछे जाके वापस चार्जिंग तो नहीं कर सकते अभी। अभी रेकली ब्रिज पे हम लोग मोबाइल पे ही शूट करते करते आगे जाएंगे और फिर वहाँ पे एलपी पे मिलते हैं। चलो वीडियो निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए अभी बन्नी को दे दिया है मैंने, बन्नी भी गाड़ी चलाएगा और मैं क्लिप्स निकालते रहूँगा। अभी नहीं, बाद में। मजा आया क्या? हेलमेट के वजह से पूरा है ना बाल ही खराब होता है। तो बन्नी को लेके आया एलपी। अभी एलपी का सीन ऐसे है कि मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मेरा तो घर ही है यहाँ पे। मुझे, मैं और मेरे फ्रेंड्स जब भी ऐसे कोई रिलेटिव्स आते हैं तो हम लोग सोचते हैं, फैमिली वाले भी सोचते हैं, यार लोगों को क्या अच्छा लगता है एलपी। बिस्किट ले, बंदर को खिला दे। दे भाव पार्ले जी एक बिस्किट दे। अभी हम लोग
खिलाएंगे बिस्किट बंदर को। मेरा फ़ोन थोड़ा दूर रखूंगा बंदर से, क्योंकि एक तो मेरा एप्पल का फ़ोन है और बंदर को एप्पल बहुत पसंद रहते हैं खाने के लिए, और मेरा फ़ोन का कवर भी लाल है तो एप्पल समझ के खींच के लेके जाएगा। इससे अच्छा मैं बनने को फ़ोन दूंगा और दूर से खिलाऊंगा। धीरज ने, अरे उसको दे ले जल्दी चल। अकेले खाना, वो पहले से इतना खा चुके कि मेरा बिस्किट अभी 2 बज गए हैं। ये किसको दो अभी सोच रहा हूँ, यहाँ पे कुत्ते भी रहेंगे शायद उनको दे देते। एक दिखा है उसको खिलाते हैं, अभी देखते हैं उसको वो लेगा या वो भी एटीट्यूड दिखाएगा। खुद ही आ रहा है बस। खुश क्या बिडू, खुश खत्म हो गया बस, खुश हो गया, भूखा था खुद ही आके ले लिया, वरना वो वाले तो इतना भर के रखे थे उनमें एटीट्यूड तो नहीं चाहिए हमको, बहुत है हमारे पास। पहले ये फेंसिंग वेंसिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे यहाँ पे, इसलिए फेंसिंग लगा दिए। व्यू से ज़्यादा तो सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, जो कि ये फेंस लगा के अच्छा काम किए, वरना तो हर साल हर बारिश में ये हुआ वो हुआ तो न्यूज़ आते रहता है। तो हमको एक स्पॉट मिला है, यहाँ से हम लोग मस्त बैठ के देख सकते हैं व्यू, पर हम लोग आगे नहीं जाने वाले, बने यहीं पर, इससे आगे नहीं, ठीक है, यहीं पे बैठ के व्यू एंजॉय करेंगे अभी। हवा इतनी तेज है कि यहाँ पे ब्लॉक करने बहुत मुश्किल हो रहा है। जाते आते सोचा पकोड़े विकोड़े खाने का है क्या बनने, खाने का रहेगा तो मतलब नीचे भी रेकली ब्रिज पे खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं मैगी खा सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे इसको मैगी या पकोड़े खिलाऊंगा, फिर घर जाएंगे, और घर जाने के बाद यार ये बाल बहुत सता रहे, आज शाम को काट दूंगा। हेलमेट और गोप्रो लेके आए पर कोई काम ही नहीं आया। तो गाइज अभी हम लोग ये लिए घर पे लगाने के लिए, जो कि मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे जाते आते ये दिख गए तो ये ले लिया, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है, घर पे लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। अभी मम्मी बोलेगी और कितने सारे लेके आएगा, पूरा घर को चिड़ियाघर बना दे। क्या खाने का देखो, नूडल्स, मैगी मिलेगा, नूडल्स नहीं मिलेगा, मैगी दे दो एक। तो मैगी और क्या क्या है, पकोड़े ऑर्डर किए, पकोड़े खाएंगे और फिर उसके बाद मुझे जाना है इलेक्शन वोटर आईडी बनाने, क्योंकि मैं अभी 23 का हुआ हूँ और अभी तक मेरे पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो उसका अभी बनाने के लिए जाना है। पिछले 2-3 साल से मेरे पीछे पड़े कि बना ले, अभी फाइनली मैं सोच लिया कि चलो बना ले, और क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, देखेंगे वोट देंगे इस बार। फाइनली रीच्ड होम भाई साहब, ये वायर बीच में, क्योंकि नीचे नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहा है शायद, इसलिए वायर वाईफाई का नीचे लेके गए। तो एनीवेज बाय बाय, सी यू, टेक केयर, होप आपको अच्छा लगा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।